नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत में आप सबका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के सेंद्रा एमआईडीसी में आए हैं। आज हम पेपर प्लेट बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें, इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आज वर्धमान इंटरप्राइजेस के मालक, वो हमें बताएंगे कि ये बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप इस बिजनेस से कितना मुनाफा कमा सकते हैं, ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितनी जगह लगती है, ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लगता है, इस विषय पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपका हमारे आत्मनिर्भर भारत में स्वागत है सर। हमारे प्रेक्षक को आपका परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है गणेश मस्के, मैं अभी औरंगाबाद सेंद्रा एमआईडीसी से मैं बिलोंग करता हूँ, छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पे अपनी फैक्ट्री है वर्धमान इंटरप्राइजेस नाम से, अपनी 2016 से यहाँ पे चालू है। लगभग अभी 2016 से लेकर 2023 तक का जो मेरा प्रयास है, ये मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ओके सर। इसमें क्या होगा, जैसा मैं अभी मेरी फैक्ट्री की शुरुआत की थी, एकदम छोटी सी मैंने शुरुआत कर दी थी। जैसा मैं जब जॉब करता था, दूसरे के पास में जॉब करता था, तो मैंने ये सोच लिया कि अपना खुद का भी बिजनेस होना चाहिए। जब मैं ऐसा मेरे माइंड में कंटिन्यू चलता रहता था कि मैं अभी कुछ करना है मेरे को। अच्छा। मेरे को भी आगे बढ़ना है, मैं भी ऐसा कब तक मैं 12,000 से 10,000 से जॉब करूं। सही बात। तो जब मैं ये सोचता था, तब मैंने कुछ दिन मैंने एक जैसा टू व्हीलर का शोरूम में मैंने कुछ दिन काम किया। अच्छा। वहां पे भी मेरा मन नहीं लगा। हाँ। मैं बोला यहाँ पे मेरा क्या फ्यूचर है। हाँ। मैं भी टू व्हीलर का मैं ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक बन सकता हूँ। सही बात। फिर मैं वहां से एमआईडीसी में चला गया, वालूजी एमआईडीसी में। वहां से मैंने मेरा काम का एक शुरुआत की, मैं पेपर डिस्पोजेबल जो फैक्ट्री थी वहां पे मैंने कुछ दिन काम किया। वहां से फिर मेरा वहां भी मन नहीं लगा। हाँ। वहां से मैं चला गया तमिलनाडु। अच्छा। पुदुकोट्टई में पेपर कप मशीन बनाने वाली फैक्ट्री थी। हाँ। वहां पे मैंने कुछ दिन काम किया, 6-7 महीने वहां काम किया। वहां से फिर मेरी लाइफ का मैंने स्ट्रगल करना चालू कर दिया। अच्छा। जैसे अपनी जिंदगी को कोई स्टार रहते। हाँ। वहां से मेरे स्टार खुलना चालू हो गए। अच्छा। फिर मैंने वहां से महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, उसके बाद अपना वहां गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर एमपी हो गया, ये सब साइड में मैंने कवर करवा दिया। मैं ऐसा जैसा मैं घूमता रहता था डेली कंटिन्यू। हाँ। में क्या है, यहाँ से वहां रात को मैंने जैसा भी अभी यहाँ से निकल गया। हाँ। तो रात को यहाँ से निकलना, कल दिन भर वहां का काम करना, फिर वहां से ट्रेन में बैठना, कभी ट्रैवल्स में बैठना, कभी बस से बैठना, मैं कंटिन्यू घूमता था। सही बात। तो ये मैंने कम से कम 1 साल तक, मैंने 1.5 साल तक मैंने ये सब करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए। थोड़े बहुत पैसे से मैंने मेरे बिजनेस की स्टार्टअप करवा दिया। ये मैंने 2016 में एक छोटे से जगह पे, वहां पे मेरी जगह 500 स्क्वायर फीट थी। हाँ। उसका भाड़ा 5,000 रुपए था। अच्छा। क्योंकि मेरे को उतना पुरता था, मतलब मेरे को उतना जो है सही लगा कि मैंने ये जगह से मैंने चालू करना चाहिए। 5,500 स्क्वायर फीट से मैंने चालू कर दिया। आज मेरे पास 16,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है। अच्छा, बहुत ये सब मेरी मेहनत और मेरे भगवान और मेरे कस्टमर इनके दया से अभी यहाँ तक आया हूँ। कैसा सर मालूम है, जैसा अभी ये जो मशीन है जो आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री, इसमें जो पेपर प्लेट की मशीन चलती है, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है। अच्छा। यहाँ पे मैं मशीन भी खुद बनाता हूँ। हाँ। इसका प्रोडक्शन भी करता हूँ, इसके लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी खुद बनाता हूँ, मार्केट में सेल भी करता हूँ। अच्छा। मतलब मेरे पास जो आने वाला कस्टमर है ना, यहाँ पे सब कुछ उसको लाइव डेमो देखने को मिल जाएगा, मशीन देखने को मिल जाएगी, रॉ मटेरियल कैसा बनता है देखने को मिल जाएगा, और मशीन कैसी बनती हो वो भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी बाकी साइड में जैसा आप देखेंगे ना, ये पेपर प्लेट की जो मशीन है ये महाराष्ट्र में कहीं भी बनती नहीं। हाँ। सब बाहर से आता है, दिल्ली बिल्ली हो गए, वहां से दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ से ये मशीन सब आती है। और वहां से आने के बाद लोगों को क्या हो जाता है, यहाँ से अपनी उसकी सर्विस नहीं मिलती है। हाँ। अपने वहां से सब कुछ उनको मिल जाएगा, और यहाँ पे अपने पास स्पेयर पार्ट बने पड़े रहते हैं, सब कुछ वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, तो सब यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा, सही बात है। अगर किसी को पेपर प्लेट का बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए जगह कितनी लगेंगी सर? सर एक मशीन से स्टार्टअप करते हैं तो 500 स्क्वायर फीट की जगह पकड़ लो, 500 स्क्वायर फीट में अपना रॉ मटेरियल बैठ जाएगा, फिनिश गुड बैठ जाएगा, और मशीन भी रन हो जाएगी, वर्किंग रहे अपने जो लगने वाला है, 500 स्क्वायर फीट में सब कुछ हो जाएगा। हाँ। और मुझे ये बताइए सर, अगर ये बिजनेस को रॉ मटेरियल के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या होता है सर मालूम है, सर पेपर प्लेट की बात करेंगे ना, उसमें रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ। मशीन तो आप एक बार खरीदते हैं, सही बात, लेकिन रॉ मटेरियल को दिन में मतलब हर दिन खरीदना है, और रॉ मटेरियल में आपको जेएसएम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कितना थिकनेस का है, इसमें जो सिल्वर लगी है वो कौन सी लगी है। उसके बाद अभी मार्केट में बहुत सारे थाली भी आ गई है, जैसे पेपर प्लेट में अभी माइका फिल्म हो गई। अच्छा। इसके बाद डुप्लेक्स पेपर हो गया, उसके बाद बकास का पेपर हो गया,
हम यहाँ पे थ्री कोर में बनाते हैं, हाँ। जैसा वो अपना कोरिकेशन प्लेट में प्लेट का रॉ मटेरियल हो गया, हाँ। ये सब चीज आपको कस्टमर को देखनी है कि मार्केट में क्या चलता है और इसमें अभी जैसे ले रहा है इसमें कितने पीस बैठ रहे हैं, हाँ। कितना प्रोडक्शन होता है, ये सब कुछ आपको देखना है। तब आपको मार्केट में जैसा भी जो लोग मशीन ऑलरेडी चलाते हैं उनके पास नॉलेज है, हाँ। और नए बंदे के पास जो नॉलेज नहीं रहता है, हाँ। उसको 80 GSM का पेपर बोल दिया, हाँ। तो 100 GSM का पेपर लेके जाता है और उसकी पीस कम निकल जाती है मार्केट में। उसके पैसे तो 80 GSM वाले को जितने मिलते हैं उनको उतने मिल जाते हैं, फिर उनको प्रॉफिट नहीं होता है, वहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। वो चीज देखनी बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए सर, ये आपकी जो मशीन है, ये मशीन की पेपर प्लेट बनाने की प्रोसेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर अभी पेपर प्लेट की जो प्रोसेस नहीं, तो पूरा रोल बेस में अपना मशीन है, हाँ। अपन वो कटिंग में मशीन में काम नहीं करते, हाँ। जैसा कटिंग का भी जमाना नहीं रहा है, वो पहले जमाने का था, हाँ। जब लोग कटिंग पीस लेके एक एक पीस डाल के करते थे, हाँ, सही बात। आज तो पीछे 7 रोल लगा दो आगे 7 थाली ले लो, हाँ। ये सिस्टम हो गया है। हाँ, सही ये बात। प्रोसेस बहुत सीधी साधी सर, एक आदमी काम करेगा, एक बार सुबह रोल दिया लगा दिया, 50-50 किलो के 7 रोल बैठ जाएंगे उसके ऊपर, हाँ। मतलब 350 किलो माल एक बार लगा दिया तो सुबह तक शाम तक वो खत्म हो जाएगा, सही सुबह बात। लगाया तो शाम तक खत्म हो जाएगा, एक दिन लगाना है उसके बाद दूसरे दिन फिर लगाना है, सही तो बात एक आदमी एक लेडीज भी आगे बिठा दिया हाँ। तो दिन भर वो भी प्रोडक्शन निकलती रहेगी। और सर अगर किसी को नए बंदे कोई बिजनेस करना होगा तो इन उनको कितना निवेश लगेगा सर? सर अभी जैसा नया बंदे को स्टार्टअप करना है हाँ तो जैसा मार्केट का हिसाब से आपको मैं बताऊंगा तो सर क्या है, कम से कम 4-5 लाख रुपए तो होनी जरूरी है, हाँ सही क्योंकि बात। मशीन के लिए कुछ पैसे लगेंगे, कुछ रॉ मटेरियल के लिए लगेंगे। हाँ तो जैसे आप मशीन के लिए मैं बताऊंगा आपको 2-2.5 लाख रुपए, फिर रॉ हाँ मटेरियल के लिए आपको कम गिर जाएंगे, हाँ सही तो बात रॉ है, मटेरियल के लिए भी पैसे होना जरूरी है। सही तो बात रॉ है, मटेरियल प्लस मशीन लेंगे तो 5 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, सही बात 5 लाख रुपए में 70-80 हजार रुपए का प्रॉफिट 100% हो जाएगा ये मशीन के ऊपर। सर। सर अभी मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि हर हर एक को एक समस्या होती है, जाएंगे मशीन भी लेके आएंगे प्रोडक्शन भी बनाएंगे, लेकिन सबके सामने एक ही समस्या होती है कि बनाए हुआ प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बेचना चाहिए, तो आप मार्केटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर क्या होता है, जैसा अभी मार्केट की बात करेंगे ना सर, तो जो लोग लेने वाले, आज सब लोगों को एक चीज लगती है, लोग आज आपको 10 रुपए देने वाले लोग भी है और वही प्रोडक्ट के 15 रुपए देने वाले लोग भी है, सही बात, तो अपना मार्केट कैसा बनाना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। सही बात, जैसा मैं आपको बताने को जाऊंगा तो जैसा अभी पेपर पेड आप बना रहे हाँ, तो अच्छी क्वालिटी की बनाओ, उसकी पैकिंग ढंग से करो, सही हर बात, आदमी के पास पहुंच जाओ, उनको आपके पास आज गया फिर नहीं लिया, फिर दोबारा जाओ, सही बात, तीसरी बार जाओ, चौथी बार जाओ, आप मार्केटिंग जितना स्ट्रांग करेंगे तो मार्केट में आपको उसका तो फल मिलने वाला है, सही बात है, मेहनत जितनी करेंगे उतना फल तो मिलने वाला है। आपको एक बार जाना है फिर आप बोलेंगे यार उसने लिया नहीं था पहली बार तो फिर क्यों जाओ, आप दोबारा जाओ, सही बात, 100% ले लेगा, नहीं लिया फिर तीसरी बार जाओ, हंड्रेड, चौथी बार जाओ, सामने वाले को एक दिन लगेगा भैया अपने पास डेली आता है तो कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए अपने से। सही बात है, हमेशा प्रयास करना चाहिए। भैंस मतलब सर अपन तो उसको तो कुछ गलत नहीं कर रहे, हाँ अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उनके पास, सही तो बात है, सामने वाले को आज नहीं तो कल हो तो सर उनको तो किसी से भी लेना है, तो हाँ अपने से क्यों नहीं लेंगे, आप उसको अच्छी क्वालिटी देंगे, सही बात अच्छी है, सर्विस देंगे, अच्छा माल देंगे, टाइम पे देंगे, जो बात भूली वो पक्की रखेंगे, सही जबान बात, का वैल्यू रखेंगे, तो आदमी सामने वाला भी सोचेगा साला ये अपने पास तो इतना बार आके जाए तो अभी अपन उसको मना करके जा रहे, फिर इतने बार आ रहे उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। सही बात है तो कोई सर, लोग ऐसे रहते हैं अपन एक बार गए थे फिर दोबारा ले लिए, उसके पास नहीं जाना है उसने नहीं लिया था, ऐसा नहीं रहता, आप डेली चले जाओ आपको फायदा हो जाएगा। सही बात है सर। मुझे ये बताइए सर, अगर किसी को बिजनेस करना होगा तो उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह कुछ लगते हैं क्या सर? सर क्या है, जैसे आप ये बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा इसमें उद्यम आधार हो गया, इसके बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, सही बात ये है, चीज करनी बहुत जरूरी है हाँ और ये करना भी चाहिए। सही बात, आप जैसा भी सब चीज आप लीगली करेंगे, अच्छा ढंग से करेंगे, सब प्रोसेस के साथ करेंगे, तो आगे लेके आपको उसका फायदा होता है। जब आप कोई बैंक में जाते हैं आपका बिजनेस तो चल रहा है लेकिन आपके पास ना IT रिटर्न है ना कुछ है, सही तो बात, बैंक वाला आपको खड़ा नहीं करेगा। सही बात, आप अभी आपका बिजनेस 1 साल तक छोटा सा भी चलाते हाँ बैंक को, बैंक यही दिखती है कि पहला इसका टर्नओवर 1 साल में 10 हजार रुपये था, उसका 2 साल में 2 लाख रुपये हो गया, तो सामने वाले ने कुछ तो ग्रोथ की है, सही तो बात आगे है, भी अभी उसको अपन 10 लाख रुपये देंगे तो 10 के 20 तो बना लेगा आदमी, हंड्रेड तो उनको परसेंट 5 लाख रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, तो ये चीज हो जाती है। तो फिर अपन थोड़ा सा उसमें डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद अभी GST रजिस्ट्रेशन, GST में सब लीगल के साथ करना चाहिए, 100% वो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट तो इतना जरूरी नहीं है, खाली है अपने जो लीगल जो लगते हैं वो सही ले बात, लो। सही बात है सर। अभी आपने इस वीडियो में हमें सब इंफॉर्मेशन दी है,
इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया आपने, कितनी एरिया लगता है इसके बारे में बताया, लाइसेंस वगैरह कुछ लगते हैं इसमें बारे में बताया, लेकिन मुझे ये बताया सर, एक एक बंदे ने अगर एक मशीन ली तो उसे एक हर महीना कितना प्रॉफिट हो सकता है? जैसा भी अपने पास अच्छी वाली मशीन है 2,60,000 की 7 रूल की मशीन है, हाँ, तो एक मशीन लगाने के बाद सामने वाला कम से कम 50,000 रुपए महीने के कमा सकता है। अच्छा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, उसके मार्केटिंग के डिपेंड है। लेकिन वो उसके मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है, हाँ। सामने वाला उतना भागना चाहिए, मैं 50 बोलूंगा तो मशीन देने के बाद 50 नहीं मिलने वाले, उसका माल बना के बेचना भी। सही बात है, सही बात है। और मुझे ये बताइए सर, अपने यहाँ के जो पेपर प्लेट की जो मशीन होते है उनमें कितने प्रकार की मशीन होते है? बहुत सारी मशीन है सर, 6-7 प्रकार की मशीन है, हाँ। अलग अलग रेट की मशीन है, अच्छा, 60-70 हज़ार से लेके मशीन है, जैसा लेने वाला है, लेकिन मेरे को तब तक मत लेना चाहिए, हाँ। हम तो देने को बैठे। सही बात, अच्छी मशीन ले लो, मैं तो मना करवा देता लोगों को, भाई मत ले लो, लोग बोलते 60,000 की दे दो सर, क्या लेके क्या करेंगे, खुद परेशान हो जाएंगे और हमारे को भी परेशान कर देंगे। सही बात, मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छी ले लो, अच्छा काम करो, आज नहीं 2 साल के बाद दे दो, लेकिन अच्छी काम करो। सही बात है, क्योंकि अभी कंपटीशन देख करना तो अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। सर क्या हो जाता है जब आदमी कंपटीशन में, हम लोग जैसे अभी हम मैन्युफैक्चरर है, हाँ, हम कंपटीशन में काम करेंगे ना, इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं, सही बात, इसमें ग्राहक का नुकसान हो जाता है 100%। ग्राहक का नुकसान इसके लिए हो जाता सर, हम तो हमारा बेच के मोकला हो जाते, हाँ, लेकिन सामने वाला लेके हर टाइम उसको पछताता ही। 100% सर। सर अगर किसी को आपकी मशीन और इस बिजनेस के बारे में जानकारी होंगी तो आप क्या हमारे प्रेक्षक को क्या बताना चाहेंगे? सर क्या है, जैसा भी ये बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, हाँ, जिनकी सोच है उनको करना है, हाँ, एक बार आओ मेरे पास आओ या आपके बगल में किसी के पास भी ये मशीन है, वो मशीन देखो, हाँ, उसमें थोड़ा स्टडी करो, कैसा प्रॉफिट है इसने बताया तो वो सही है क्या, पेपर का जेएसएम क्या लेना है, इसमें कितने पीस बनते है, आज मोबाइल के अंदर सब कुछ आपको इमीडिएटली मिल जाएगा 100%। जो भी है तो आप उसमें थोड़ा स्टडी करो 1-2 महीना, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो, ये बिजनेस में आप एंट्री करने के बाद तो आपको 100% मुनाफा होने वाला है, इतना मेरे को पता है, 100%। लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 100%। एक दिन में तो नहीं होने वाला है, नहीं, उसको कम से कम 1 साल दे दो, दूसरे साल में प्रॉफिट ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए, हो जाएगा 100%। दोस्तों आज के वीडियो में हमने इस बिजनेस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगर आपको कुछ सर से माल लेना होगा, पेपर प्लेट लेनी होगी या मशीन बाय करनी होगी तो सर का स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहाँ जाकर उनसे कॉल कीजिए और इस बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी लीजिए। अगर आपको आत्मनिर्भर भारत का काम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।